नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर पूरन जोशी, सहाचार्य संगीतवाद्य। पिछले वीडियो में हमने आपका जो विषय लिया था वो था कुछ महान संगीतज्ञों का जीवन वृतांत और भारतीय शास्त्रीय संगीत में उनका योगदान। इसके अंतर्गत हमने उस्ताद आमिर खान साहब, जो कि एक बहुत प्रतिभा संपन्न गायक थे, उनका एवं उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब, जो कि एक बहुमुखी प्रतिभा संपन्न कलाकार थे, गायकी भी उन्होंने सीखी परंतु वाद्य संगीत में उनका उनकी महारत थी, तो उन दोनों संगीतज्ञों के बारे में हमने जाना। आज उसी क्रम में हम अन्य दो कलाकारों के विषय में चर्चा करेंगे और भारतीय शास्त्रीय संगीत के योगदान की बात करेंगे। तो पहले जो कलाकार हैं वो हैं उस्ताद विलायत खान। विलायत खान साहब एक सुप्रसिद्ध सितार वादक रहे हैं। आपका जन्म 1926 में बांग्लादेश में स्थित गौरीपुर जो स्टेट था उनका, वहाँ हुआ था। आप उस्ताद इनायत खान साहब के सुयोग पुत्र हैं और इनायत खान साहब जो थे वो स्वयं भी एक सुप्रसिद्ध सितार वादक थे। और यही नहीं, विलायत खान साहब के दादा इमदाद खान साहब वो भी एक सुप्रसिद्ध सितार वादक रहे। तो हम देखते हैं कि पीढ़ियों से आपके घर में सितार वाद्य की परंपरा रही है। और ये कहना गलत नहीं है कि इनके पिता इमदाद खान साहब और दादा इमदाद खान साहब ने सितार वाद्य और उसकी वादन शैली को प्रतिष्ठित करने का कार्य किया। परंतु दुर्भाग्यवश ये रहा कि आपने, जब आप 4-5 वर्ष की आयु के थे तभी आपने अपने पिता को खो दिया। इस कारण आपको बहुत आर्थिक, आपके हालात बहुत बिगड़ गए। पर इस विषम परिस्थिति में आपकी माता जी ने आपको बहुत सम्मान प्रदान किया और आपको 10-12 घंटे सितार का रियाज करवाया। इस कारण आप बचपन से ही आपकी नींव पक्की हुई। उसके उपरांत आपने उस्ताद बंदे हसन खास साहब से गायन और सुरबहार की तालीम ली। इसी तरह आगरा घराने के उस्ताद फैयाज खान साहब से भी आपने बहुत ख्याल आदि सीखे। इसके अतिरिक्त रामपुर के उस्ताद मुश्ताक हुसैन साहब, इंदौर के आमिर खान साहब एवं ध्रुवतारा जोशी आदि का भी मार्गदर्शन आपको समय समय पर मिलता रहा। तो इस तरह से आपकी कला जो है वो, आपने बचपन की आपकी जो मेहनत है वो धीरे 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 वो परवान चढ़ती रही और आप बाल्यकाल से ही हम देखते हैं कि आपने कार्यक्रम देने प्रारंभ कर दिए थे। 1944 में बम्बई में आयोजित कार्यक्रम में बहुत बड़े बड़े कलाकारों को आमंत्रित किया गया था, जिसमें उस्ताद फैयाज खान साहब, बुंदू खान साहब, सारंगी वाले, गुलाम अली खान साहब, अहमद जान थिरकवा जी जो तबला वादक थे, इस तरह के बड़े कलाकार थे, तो उनके साथ विलायत खान साहब को भी आमंत्रित किया गया। तो वहाँ आपने अपने सितार की जो प्रस्तुति दी वो इतनी उत्कृष्ट थी कि उन सब कलाकारों के, जो कि नामी और प्रतिष्ठित कलाकार थे, उनके बीच आपने भी अपनी एक अनूठी छाप छोड़ी। अब परिणाम स्वरूप आपको फिर भारत के बड़े बड़े सम्मेलनों में आपको आमंत्रित किया जाने लगा और यही नहीं बल्कि देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी आपने अपनी कला का परचम लहराया, जिसमें रशिया, वर्मा, इंग्लैंड, स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस, इटली, अफ्रीका आदि कितने अनेक, एक पूरी लंबी सूची है जहाँ जहाँ देश विदेशों में आपने अपने सितार वादन से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। अब जहाँ तक भारतीय संगीत को आपकी देन है, तो आपका सबसे बड़ा योगदान है कि आपने सितार को गायन की भांति सुरीला बनाने की दिशा में कार्य किया। इससे पूर्व आपके जो पिता थे इनायत खान साहब हैं, उन्होंने की वादन शैली में हम देखते हैं कि तंत्रकारी मिजराब के बोलों का अधिक वो प्रयोग करते थे, यानी तंत्रकारी मिजराब के बोल अधिक प्रयोग होते थे। अब सितार जैसे वाद्य में गूंज उत्पन्न करने हेतु आपने मीड़ का प्रयोग शुरू किया। असली आपने सितार के एक पर्दे पर 5-5 स्वरों की मीड़ का प्रयोग शुरू किया, साथ ही मीड़ को गले जैसी
जैसे ये खटका मुर्की इस तरह से प्रयोग करने के लिए आपने सितार प्रस्तुति आपने मतलब प्रारंभ करी, जिस कारण जो है जो सितार वादन जो अभी तक तंत्रकारी यानी मिजराब के बोलों का जिसमें प्राधान्य रहता था उसको आपने गायकी की तरफ मोड़ दिया। ये आपकी एक संगीत के लिए बहुत अनूठी देन है, क्योंकि ये कोई सितार जैसे वाद्य पर गले जैसा कार्य करना बहुत मुश्किल काम है, और सितार में गायकी अंग लाना जो है ये इस तरह से हम देखते हैं कि आपका एक बहुत बड़ा योगदान जो है संगीत को जगत को है। और इसके अतिरिक्त गमक की खूबसूरती आपके वादन में हमें दिखती है, तो सपाट तान भी आप बहुत आसानी से बजा लेते थे कि मंद्र मध्य तार तीनों सप्तक में अति तार तक भी आप एक तान को बड़ी आसानी से बजा लेते थे, जो कि बहुत सीधा सपाट बजाना और उस लय में बहुत मुश्किल होता है। इसी तरह विलायत खां साहब को हम देखते हैं कि गायकी अंग से ही आपने आलाप जोड़ के बाद गत और आप झाला बजाते रहे। गत को भी आपने बंदिश के अंदाज में प्रस्तुत किया, क्योंकि तंत्रकारी की बंदिशें अलग होती हैं और गायकी की जो बंदिशें हैं वो अलग हैं, तो गायकी के की बंदिशों को आपने प्रस्तुत करने का कार्य भी आपका साधारण था। अतः मिजराब के बोल का प्रयोग कम कर मीर का कार्य आपने अधिक प्रयोग किया। आपके बजाए हुए रागों में कई राग बहुत प्रसिद्ध हैं, जैसे दरबारी कानड़ा, यमन, बागिश्री, मियाँ मल्हा, झिझोटी, खमास, देस। अतः हालांकि आप कोई भी राग बजाते थे वो वैसे ही बढ़िया लगता था, पर कुछ रागों में आपका वैशिष्ट था। और इसके अतिरिक्त ठुमरी वादन में भी आपको दक्षता प्राप्ति, आपने कई फिल्मों में भी संगीत निर्देशन का कार्य किया। और आज हम देखते हैं आपके शिष्यों में आपके सुयोग पुत्र सुजात खां साहब और आपके योग और आपके शिष्य अरविंद पारिक जी, कल्याणी रॉय, रईस खां साहब, काशीनाथ मुखर्जी, बिंदु झवेरी आदि कई नाम आपके शिष्यों में हैं जिन्होंने आपकी परंपरा को और आगे बढ़ाया। और इस तरह से हम देखते हैं कि संगीत जगत को इस कलाकार ने बहुत देन दी। और सन 1999 में आपका देहावसान हो गया। तो ये थे उस्ताद विनायक खां साहब। अगले जिन कलाकार की बात कर रहे हैं वो हैं पंडित विनायक राव पटवर्धन। पंडित विनायक राव पटवर्धन जो थे वो पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी के सुयोग शिष्यों में माने जाते हैं। आपका जन्म 12 जुलाई 1898 में मिरज में हुआ था और संगीत की प्रारंभिक शिक्षा इनके चाचा केशवराय पटवर्धन जी ने आपको दी। फिर 1907 से आप विष्णु दिगंबर जी के सानिध्य में आ गए और फिर उनसे ही आपने विधिवत शिक्षा प्राप्त की। इस दौरान आप अपने गुरु जी के साथ ही देश विदेश में कई जगह घूमे और संगीत का प्रचार प्रसार किया, और साथ ही आपने उनकी आज्ञा से गंधर्व महाविद्यालय की बम्बई, नागपुर एवं लाहौर शाखा में अध्यापन कार्य किया। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि आपने बाल गंधर्व नामक नाटक मंडली में भी काम किया, परंतु उनके गुरु को वो ज़्यादा पसंद नहीं था इसलिए उन्होंने ये बाद में ये नौकरी छोड़ दी। एवं 1937 में गांधर्व महाविद्यालय की जो शाखा पूना में थी वहाँ उन्होंने वहाँ पूना में एक शाखा को स्थापित किया और फिर ये अनवरत उसी की सेवा करते रहे, मतलब वहीं पूना में ही आप जो था संगीत प्रचार के प्रचार प्रसार में लगे रहे। इसके अतिरिक्त देश के विभिन्न संगीत सम्मेलनों, आकाशवाणी द्वारा आपके कार्यक्रम जो है समय समय पर प्रसारित होते रहे। कई आपके आकाशवाणी के व्यावसायिक रिकॉर्ड्स भी बन चुके हैं, विशेषकर जिसमें आपका राग जय जयवंती का रिकॉर्ड बहुत फेमस है। तराना गाने में आपको निपुणता हासिल थी, तबला वादक के साथ लड़न भिड़ंत एवं लयकारी में भी आपको महारत थी। इसके अतिरिक्त संगीत में जो आपकी देन है वो है राग विज्ञान नामक पुस्तक की रचना, जो आपकी एक अत्यंत उपलब्धि है, जिसमें प्रचलित एवं अप्रचलित रागें की बंदिशें हैं और ये पुस्तक 8 भागों में है।
1965 में संगीत नाटक एकेडमी की फेलोशिप आपको प्राप्त हुई। इसी क्रम में 1975 में पद्मभूषण की उपाधि से विभूषित किया गया आपको। इस तरह से आप जीवन पर्यंत जो है संगीत की सेवा करते रहे और आपने कई प्रकार की उपलब्धियां प्राप्त की। और 23 अगस्त 1975 को पूना में आपका निधन हो गया। और इस प्रकार हम देखते हैं कि ग्वालियर घराने का एक प्रतिनिधि कलाकार हमेशा के लिए संसार से विदा। तो इस तरह से ये दोस्त जो कलाकार हम बने रहे, उस्ताद विलायत खां साहब और विनायक राव पटवर्धन, जिन्होंने कि हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत को अनेकानेक और असाधारण अपने संगीत में अपना योगदान दिया। थैंक यू।